नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म या प्रीसिस्टेमिक इफेक्ट भी कहते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को समझने से पहले हम फार्माकोलॉजी के तीन वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम इन तीन वर्ड्स को समझ गए तो हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को समझने में आसानी होगी। वो वर्ड हमारा है मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब हम इसकी फार्माकोलॉजी के अंदर डेफिनेशन देखते हैं तो मेटाबॉलिज्म को डिफाइन किया जाता है कि कन्वर्शन ऑफ ए वन ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनसाइड द इंटैक्ट बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसी मेटाबॉलिज्म को हम लोग दूसरा नाम देते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें जो कन्वर्शन हो रही है इनसाइड ह्यूमन बॉडी हो रही है या इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रही है, तब उस कन्वर्शन का उस ट्रांसफॉर्मेशन का लोग एग्जैक्ट नाम एक्चुअल नाम जो देना होगा वो देना चाहिए, दैट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होती है, इस मेटाबॉलिज्म का जो मेन पर्पस है कि जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है उस एक्टिव ड्रग को वो इनएक्टिव ड्रग में हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है ताकि बॉडी आसानी से उसे एक्सक्रीट कर सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई केमिकल मॉलिक्यूल है वो केमिकल मॉलिक्यूल फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है लेकिन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उस केमिकल मॉलिक्यूल के अंदर ऊपर मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो जो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव केमिकल मॉलिक्यूल है आफ्टर मेटाबॉलिज्म या आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव फार्माकोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, तब हम इस इनएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम देते हैं इट इज ए प्रोड्रग। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी तब करेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म टॉपिक पे आएंगे, मेटाबॉलिज्म चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि कन्वर्शन ऑफ ए ड्रग केमिकल मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इनसाइड द इंटैक्ट बॉडी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म और बायोट्रांसफॉर्मेशन। जो दूसरा वर्ड है दैट इज द एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन को डिफाइन उन्होंने किया था तो हम उन्होंने क्या डिफाइन किया था कि मूवमेंट ऑफ ए अनचेंज्ड ड्रग मॉलिक्यूल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो वर्ड हमारा है अनचेंज्ड ड्रग मॉलिक्यूल कि मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या कहा गया कि मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ड्रग मॉलिक्यूल का नेचर चेंज हो रहा है, उसका केमिकल नेचर चेंज हो रहा है और उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में या हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर रही है, तब हम उसको ड्रग एब्जॉर्प्शन के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। हम उसे कब कहेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन, जब वो अनचेंज ड्रग मॉलिक्यूल मूव हो रही है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। उसी से वर्ड से हमारे रिलेटेड है दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल इनसाइड द ब्लड या इनसाइड द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। कि हमने बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर किया और एडमिनिस्टर करने के बाद कितना अमाउंट ड्रग हमारी ब्लड सर्कुलेशन में है, हमारी बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, जब उतनी उस अमाउंट का हम क्या कहेंगे इट इज द बायोअवेलेबिलिटी। अब जब यहां वर्ड यूज कर रहे हैं कि अनचेंज्ड ड्रग मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन, मतलब क्या हुआ कि जब ये ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है तो जितना अमाउंट हमने ड्रग बॉडी में इंट्रोड्यूस किया उस वो सारी की सारी ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर नहीं हो रही है, मतलब कुछ जो ड्रग है वो ड्रग कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, कहीं ना कहीं वो रुक जा रही है, कहीं ना कहीं जो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जो लॉस जो हो रहा है, यह जो डिफरेंस है कि ड्रग एडमिनिस्टर किया गया और वो ड्रग कितना अमाउंट ब्लड के अंदर एंटर हुआ, ये जो डिफरेंस आ रही है, जो लॉस आ रही है, इस लॉस का जो मेन कारण होता है दैट इज द फर्स्ट पास मेटा बॉलीज में। मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले ही उनकी मेटाबॉलिज्म हो गई, उनका केमिकल नेचर चेंज हो गया, तब हम उसे क्या कहेंगे इट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन हो गया कि कन्वर्शन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बिफोर एंट्री इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम देन इट इज कॉल्ड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म या प्रीसिस्टेमिक इफेक्ट। अब जब क्या होता है कि सपोज कोई ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, हमने यहाँ पे देख रखा है कोई ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या होगा कि उस ड्रग का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई है। और जस्ट इसका अपोजिट, यदि कोई ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगी वो बहुत ही कम होगी। अब जनरली जब हम लोग वहां पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या स्टडी किया था कि जब
ड्रग जो ड्रग सबलिंगुअल रूट से हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वहां पे डोज कम होती है, और जब हम उसी ड्रग को ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो वहां पे डोज ज्यादा होती है। और उसका कारण क्या बताया था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। इसका मतलब कि हमारे ध्यान में क्या बात आती है कि जब हम किसी ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ओरल रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और वो ड्रग पहले कहां जा रही है, लीवर में जा रही है, और लीवर में उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, और उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रही है, तो जो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है उस मेटाबॉलिज्म उन्होंने नाम कह दिया था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब हमें क्या समझ में आएगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है जो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है बिफोर एंट्रिंग टू द सिस्टम इन सर्कुलेशन, उस मेटाबॉलिज्म का नाम कह देंगे इट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बुक्स में भी, बहुत सारे बुक्स में भी यही बात लिखी हुई है कि लीवर से एंटर होने से पहले या ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले जो ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है वो मेटाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं, इट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्या सिर्फ हिपैटिक मेटाबॉलिज्म ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है या कुछ और भी इसके साथ अटैच्ड है जिसको हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैटेगरी में रख सकते हैं। जब हम इसे डिटेल स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेनली चार एंजाइम्स हैं, चार फोर साइट्स हैं जहां पे ड्रग की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकती है, और वो क्या क्या है हमारा, दैट इज द ल्यूमिनल एंजाइम, सेकेंड वन इज द म्यूकोशल एंजाइम, थर्ड वन इज द बैक्टेरियल एंजाइम, एंड फोर्थ वन इज द हिपैटिक एंजाइम। मैं रिपीट कर रहा हूं, ल्यूमिनल एंजाइम, म्यूकोशल एंजाइम, बैक्टेरियल एंजाइम एंड हिपैटिक एंजाइम, ये चार एंजाइम्स हैं। वो चार एंजाइम्स या जो डिफरेंट ये चार फोर साइट्स हैं, इन फोर साइट्स पर जो एंजाइम होती हैं, दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म या प्रीसिस्टेमिक मेटाबोलिज्म ऑफ द केमिकल मॉलिक्यूल और ऑफ द ड्रग। अब हम लोग एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड हमारा है दैट इज द ल्यूमिनल एंजाइम्स। ल्यूमिनल एंजाइम्स का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो जीआईटी है, जीआईटी के अंदर जो एंजाइम्स पाई जाती हैं, उन एंजाइम का हम कॉमन नाम देंगे दैट इज द ल्यूमिनल एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल एंजाइम्स या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब हम कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे तो उस ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर इन एंजाइम्स का भी इफेक्ट होगा, और ये ड्रग मॉलिक्यूल्स को ये एंजाइम्स डिटोरिएट कर सकती हैं, उन एंजाइम्स उन ड्रग मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और वो जब डिस्ट्रॉय कर देंगी, डिटोरिएट कर देंगी, तो उस समय क्या कहेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्यू टू द ल्यूमिनल एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल कि हम सभी को मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीनेज एक एंजाइम पाई जाती है, और ये प्रोटीनेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं। अब सपोज करें कोई हम ड्रग एडमिनिस्टर करें बॉडी के अंदर, वो ड्रग प्रोटीनस इन नेचर है, यदि वो ड्रग प्रोटीनस इन नेचर है या वो ड्रग पॉलीपेप्टाइड्स इन नेचर है, तो क्या होगा, उन ड्रग्स को हमारा जो ल्यूमिनल एंजाइम्स होंगे, जो पेप्टाइडेज होंगी, वो एंजाइम उसके केमिकल नेचर को चेंज कर देंगे। मींस क्या होगा कि जितना ड्रग हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे वो सारी की सारी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होंगी, कुछ ड्रग हमारे ल्यूमिनल में, हमारे जीआईटी में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और वो जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसका हम क्या नाम दे रहे हैं, इट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्यू टू द ल्यूमिनल एंजाइम्स। दूसरा वर्ड हमारा है म्यूकोसल एंजाइम्स। म्यूकोसल एंजाइम्स का मतलब क्या हो गया कि वैसा एंजाइम जो म्यूकस में पाई जा रही है, मतलब हमारी जो स्टमक है, हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ बहुत सारे म्यूकस पाई जाएंगी, म्यूकस लेयर पाई जाती हैं, और उन म्यूकस लेयर के अंदर भी एंजाइम्स होती हैं, वो एंजाइम्स भी हमारे ड्रग को डिटेरिएट कर सकती हैं, ड्रग के नेचर को चेंज कर सकती हैं, उनका केमिकल नेचर वहाँ पे चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें एक एग्जाम्पल ले रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो स्टमक का जो म्यूकोसल लेयर होती है उस म्यूकोसल लेयर में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका हम नाम देते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अभी जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा, यदि हम कोई अल्कोहलिक ड्रग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल हमने इथेनॉल इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा उस अल्कोहल को डिटेरिएट कर देगा, उस अल्कोहल के केमिकल नेचर को चेंज कर देगा। मींस जितना हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया उतना ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ल्यूमिनल एंजाइम्स हैं, ये ल्यूमिनल एंजाइम्स भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करती हैं, प्रीसिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ल्यूमिनल एंजाइम के बाद आ गया नेक्स्ट एंजाइम हिपैटिक एंजाइम।
सॉरी लिमिनल जंक के बाद आगे नेक्स्ट इज द बैक्टीरियल एंजाइम। अब ये जो बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो जीआईटी है इस जीआईटी के अंदर माइक्रोफ्लोरा पाई जाती है। हम सभी को मालूम है कि जीआईटी के अंदर माइक्रोफ्लोरा पाई जाती है और वहां उन माइक्रोफ्लोरा के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरिया के द्वारा भी कुछ एंजाइम सिक्रीट की जाती है, कुछ एंजाइम वहां से प्रोड्यूस की जाती है। अब ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसके द्वारा जो एंजाइम प्रोड्यूस की जा रही है वो एंजाइम भी हमारे ड्रग के ऊपर इफेक्ट करेंगे और उनके केमिकल नेचर को चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या दिया कि यहां पे हमने सब एग्जांपल लिया सल्फासेलाजिन। जो सल्फासेलाजिन है ये सल्फासेलाजिन को जब हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ये कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। जब ये सल्फासेलाजिन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है तो हमारी बैक्टीरियल फ्लोरा है जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो माइक्रोबैक्टीरियल फ्लोरा वो बैक्टीरिया जो एंजाइम होंगी वो सल्फासेलाजिन को सल्फापिरिडिन और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, सल्फापिरिडिन और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। और ये एग्जांपल है जो प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म का जो कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। मींस यहां पे ड्रग का नेचर चेंज होकर उसकी एक्टिविटी खत्म नहीं हो रही, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म नहीं हो रही है। ये एक ऐसा प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म है, ये एक ऐसा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है जिसके द्वारा जो सल्फासेलाजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इससे हम लोग तीन पॉइंट को जान लिया कि बॉडी के अंदर जब हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसका जो केमिकल नेचर चेंज हो रहा है वो चेंज ये तीन कारण से भी हो सकती है, वो हमारा है ल्यूमिनल एंजाइम, म्यूकोसल एंजाइम एंड द बैक्टीरियल एंजाइम। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द हिपैटिक एंजाइम्स मींस हिपैटिक मेटाबॉलिज्म लीवर मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इनसाइड द लीवर आफ्टर द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। थोड़ा सा हम लोग अपने लीवर के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं और इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझेंगे तो हमें यह हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में या जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्यू टू हिपैटिक एंजाइम को समझने में आसानी होगी। ये हमने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, यहाँ पे हम सपोज की ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन लीवर है। अब हमारे बॉडी के अंदर एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जहां पे दो सोर्स से ब्लड एंटर करती है, दो तरह की आर्टरीज लीवर में एंटर करती है सप्लाई द ब्लड। मींस लीवर के अंदर जो आर्टरी जो सिस्टम है वो दो है, बाकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है शरीर में एक सिंगल टाइप की आर्टरी एंटर करेंगे और सिंगल टाइप का वेन वहां से बाहर निकलता है, वो आर्टरी ब्लड को सप्लाई करेंगे और वेन वहां से ब्लड को बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो हमारी लीवर है इस लीवर के अंदर दो आर्टरीज एंटर कर रही है, कैसे एंटर कर रही है थोड़ा सा हम लोग अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये लीवर है, लीवर से इंफेरियर वेना कैवा, लीवर से जो वेन्स निकलती है वो इंफेरियर वेना कैवा के द्वारा हार्ट तक पहुंचती हैं। हार्ट उस ब्लड को पंप करती हैं और किसे पंप करेंगे इन द एओर्टा, वो ये ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी से हार्ट से पंप होंगे और बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स में ये ब्लड लेकर के जाएंगे। मीन जो एओर्टा है हमारी बॉडी की जो सिस्टमिक सिस्टम्स होती हैं उन सिस्टमिक सिस्टम्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब इसी एओर्टा से एक आर्टरी निकलती है जिसे लोग कहते हैं सीलिएक आर्टरी, ये सीलिएक आर्टरी लीवर के अंदर चली जाती है। मीन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रही है उस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो लीवर को ये हार्ट जो ब्लड पहुंचा रहा है वो किसके थ्रू पहुंचा रहा है तो बाय द सीलिएक आर्टरी के द्वारा। उसके अलावा जो ये यहां से एओर्टा निकल रही है इसका एक ब्रांच जीआईटी में भी जाती है, जीआईटी के वाल पे भी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके वाल पे भी जाती है, वो हमारा इंटेस्टाइन हो या स्टमक हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, और वहां से जो ये जाएंगे ब्लड तो वहां से वो ब्लड जो भी न्यूट्रिएंट है जो भी मटेरियल हमारे जीआईटी के अंदर है जो एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स हैं उनको ये ब्लड एब्जॉर्ब करेंगी और वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा लीवर में एंटर करेंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा लीवर में एंटर करेंगे। मतलब लीवर के अंदर जो ब्लड एंटर कर रही है दो सोर्स एंटर कर रही है, एक सीलिएक से और दूसरा हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से। अब जो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से ब्लड एंटर कर रही है यहीं से जब ड्रग एब्जॉर्ब होंगी तो वो ड्रग सबसे पहले हमारी इस सिस्टम में आएंगी, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में आएंगी और लीवर में आएंगी। और लीवर का क्या फंक्शन है कि बॉडी में किसी भी चीज का मेटाबोलाइज करता है, जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको चेंज करता है, जो फॉरेन सब्सटेंस है उनके नेचर को चेंज करके बॉडी से एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है। तो जो मैक्सिमम ड्रग्स होंगी वो ड्रग्स यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएंगी, मीन्स मैक्सिमम ड्रग्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे और बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट जो अनचेंज रह पाएंगे वो ड्रग हमारे ब्लड के अंदर एंटर करेंगे, इस इंफेरियर वेना कैवा के द्वारा हार्ट में पहुंचेंगे और फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जितना ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया वो ड्रग एब्जॉर्ब तो हो गया लेकिन सारी की सारी ड्रग हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में
एंटर नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, इस मेटाबॉलिज्म को क्या नाम देते हैं, इट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म या प्रीसिस्टेमिक इफेक्टिव। मैं समझ रहा हूँ कि मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जब प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म करते हैं, किसी भी ड्रग का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, यदि कोई ड्रग है वो ड्रग हम जीआईटी के रूप से दे रहे हैं तो उसका डोज ज्यादा होता है, और जब वही ड्रग हम लोग सबलिंगुअल रूप से या पेंट्रल रूप से देते हैं तो उसका डोज कम हो जाता है। क्यों कम होगा? कि जब हम सबलिंगुअल रूप से देंगे तो डायरेक्टली वो ड्रग जो होगा वो हार्ट में एंटर करेगा, या हम पेंट्रल रूप से देंगे तो डायरेक्टली वो ड्रग कहाँ एंटर कर रहा है, हार्ट में एंटर कर रहा है, और यहाँ पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है, नीचे लीवर को बाईपास कर दिया। जब ये लीवर को बाईपास हो जाएंगी तो इन ड्रग की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, इन ड्रग की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, नतीजा क्या होगा कि इनका जो डोज होगा वो डोज कम होगा कंपेयर टू द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द ओरल रूट। तो ये हमने जान लिया। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है इसका आउटकम क्या है, इसका क्या हमें स्टडी करने से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पे अभी देखा कि जो ओरल रूट से ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे उसका डोज ज्यादा होगा, और जब सबलिंगुअल रूट या पेरेंटल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका डोज कम होगा। एग्जांपल हो गया हमारा जैसे प्रोप्रानोलोल, नाइट्रोग्लिसरीन, निफेडिपिन एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल हमने कोट कर लिया, जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज द प्रोप्रानोलोल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड निफेडिपिन। दूसरा आउटकम क्या होगा कि सपोज करें कोई पर्सन है, उस पर्सन को लीवर डिजीज है, उस पर्सन को सिरोसिस है, कंडीशन में क्या होंगे कि उनका जो लीवर है प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। मतलब कि जब जीआईटी में ड्रग देंगे, ओरल रूट से ड्रग देंगे, तो उस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या तो नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। तब इस कंडीशन में यदि कोई पर्सन लीवर डिजीज से सफर करा, हिपैटिक डिसफंक्शन है, हिपैटिक जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उस कंडीशन में जब जीआईटी से ओरल रूट से ड्रग देंगे उसके डोज को हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब डोज को डिक्रीज नहीं की तो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो ड्रग हमारे बॉडी के सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट विल बी प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट इन आवर बॉडी। इसलिए यदि कोई पर्सन हिपैटिक डिसफंक्शन से सफर कर रहा है या कोई लीवर प्रॉब्लम है जैसे सिरोसिस है, तो उस कंडीशन में जब भी हम ओरल रूट से ड्रग देते हैं तो हमें डोज को केयरफुली कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसको हमें वॉच रखना पड़ता है कि कोई कहीं बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा ना हो जाए और टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस कर दे। तो अब तीसरा एग्जांपल है कंपीटिंग ड्रग। सपोज करें कि हमने दो ड्रग यहाँ एक साथ एडमिनिस्टर कर दिया, को एडमिनिस्टर कर दिया, दो ड्रग है एक साथ उन्होंने बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया और वो दोनों ड्रग एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंच गई। अब क्या होगा कि दोनों ड्रग में कंपटीशन होगी। अब इनमें से क्या होगा कि लीवर किसी एक ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा और दूसरे ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। नतीजा क्या होगा, जिस ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है उसका हमारी डोज जो होगी बॉडी के अंदर अमाउंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मीन्स वो ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा, वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। मुझे हम समझ रहे हैं कि आपको डिफरेंस पता होगा थेरेप्यूटिक इफेक्ट किसे कहेंगे और टॉक्सिक इफेक्ट किसे कहेंगे। यदि कोई दो ड्रग है, दो ड्रग आपस में कंपीट कर रहा है फॉर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, तो एक की तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगी एज पर द ओरल रूट ओरल डोज, लेकिन दूसरी की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। नतीजा क्या होगा, जो दूसरा ड्रग होगा उस ड्रग का क्वांटिटी, उस ड्रग का अमाउंट, उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इट मे प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट। तो जब भी हमें कोई दो ड्रग एक साथ एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो हम इस बात को केयरफुल होना पड़ता है, हमें देखना होता है कि दोनों ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कंपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हमने कोट कर रखा है प्रोप्रानोलोल एंड क्लोरप्रोमाजिन, ये दोनों ड्रग आपस में कंपीट करते हैं, इस तीन दोनों ड्रग को आप एक साथ हमें को एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आगे तीसरा लास्ट इफेक्ट दैट इज द ड्रग डोज इफेक्ट वेरिएशन। ड्रग डोज इफेक्ट वेरिएशन में क्या होगा कि कॉमनली देखा जाता है कि जब एक एडल्ट डोज है किसी पर्सन, दो पर्सन को हमने डोज दिया, एक ही डोज दिया, एक बॉडी के एक बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई, दूसरे बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुई, मीन्स वो ड्रग एक पर्सन के ऊपर इफेक्टिव है दूसरे पर्सन पर इफेक्टिव नहीं है। उसका मेन रीजन या मेन कारण क्या होता है कि एक पर्सन के जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो रेट स्लो है और दूसरे का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेट क्या है, फास्ट है। जिस पर्सन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होगा वहां पर वो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और जिस पर नॉर्मल है या कम है वहां पर उसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इससे हम देखते हैं कि एक ड्रग का जो इफेक्ट है इंडिविजुअल चेंज होता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल वैरी कर रहा है, उसका मेन कारण क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हमें मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस टॉपिक को समझाने में कामयाब रहे होंगे, आपको समझ में क्लियर हो गई होगी, सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, और इस तरह से हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।